नमस्कार आदाब, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, आप सभी से हमने एक वादा किया था, हम आएंगे आपसे मिलने आपके घर, आपकी सेहत का हाल जानने। जब आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमारी भी इच्छा थी कि हम आपसे मुलाकात करके ये जाने कि हकीम साहब से जुड़कर आप कितना खुद को सेहतमंद महसूस करते हैं। तो एक मुहिम की शुरुआत हकीम सुलेमान खान साहब के आदेश अनुसार शुरू हुई है, जो बहुत सारी जगह पे अब फैल गई है। यानी कि हम जा रहे हैं अलग सिटी में, अलग शहर में, अलग कस्बे गांव में, जहाँ जहाँ हमारे पेशेंट हमें आमंत्रित कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं। तो आज जहाँ मैं मौजूद हूँ वो है मुंबई का डॉकयार्ड, और हमारे साथ मौजूद हैं हमारी खास मेहमान। तो बिना देरी के उनका स्वागत करते हैं, जानते हैं उनकी ज़ुबानी उन्हीं का परिचय। स्वागत है मैम आपका, आदाब। आपका नाम क्या है, आपकी उम्र कितनी है? जहाँ आ रहा 35। घर में कौन कौन है? मैं, बड़े भाई है, भतीजी है जी। आप घर पे ही रहती हैं या कोई काम भी करती हैं? घर पर ही रहती हैं। आप हकीम साहब से कैसे जुड़ी? मुझे पैरों में तकलीफ थी, लैब में मतलब आर्टिकल एडवर्टाइज आता था, लैब पेपर घर में आता है, उसको पढ़ते थे हमेशा। ठीक है, फिर मुझे तकलीफ हुई, 6 महीना हो रहे थे, मैं उनके पास फिर गई। ठीक है, तो एस केयर करके दवा माशाल्लाह से बहुत फायदा हुआ उससे। ठीक है, कभी मुलाकात हो पाई है सर से? नहीं, मुलाकात तो नहीं सर से कभी मुलाकात नहीं हुई। जो वहाँ पर डॉक्टर है उनसे। तो अभी कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं फिलहाल? तो अभी फिलहाल उस दवा मतलब खत्म हुई है, उससे बहुत आराम हुआ है। बहुत आराम हुआ है। अच्छा, एस केयर से पहले भी कोई दवाई आपने खाई है? नहीं, कुछ और ट्रीटमेंट भी आपने फॉलो किया है या सिर्फ और सिर्फ आपने हकीम साहब की दवाई? हकीम साहब से सिर्फ ये दर्द था पैरों में मेरे। हाँ, तो उसकी दवाई। तो अब चलने फिरने में, घर का काम करने में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होती? सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में सब ठीक है एकदम? मैम, जिस वक्त आपको पैरों की परेशानी थी, तब आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता था, क्या क्या दिक्कतें आती थी आपके रोज रूटीन के जो काम होते थे उनमें? मुझे हाथों में भी दर्द था। हाँ। तो काम करते वक्त ऐसी मुट्ठियां नहीं बंद होती। हाँ। और नमाज पढ़ते वक्त ये उंगलियों में दर्द था। हाँ। बैठ गया थोड़ी देर तो उठ कर फिर फौरन चल नहीं पाते थे, नहीं चल पाते। हाँ हाँ हाँ। थोड़ा 2-4 स्टेप चलने के बाद ही मुझे आराम मिलता था। ठीक है, उसके बाद बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई थी, तभी सब ठीक। हाँ, है ना? ठीक है। एस केयर का इस्तेमाल आपने जब किया तो कितने दिनों में आपको असर दिखना शुरू हुआ? मुझे कम से कम महीना भर लगा उसका असर होने में। मुझे तकलीफ हो गई थी टाइफाइड के बाद, मुझे जुड़ हो गई। हाँ हाँ हाँ। तो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं ये चलेगा 2-4 महीने में तकलीफ, मगर बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई थी। तो फिर हकीम साहब के पास गई तो मुझे महीना भर लगा, फिर धीरे धीरे अल्लाह का शुक्र आज बहुत ज़्यादा मतलब आराम है जी। मैम, डॉक्टर्स तो और भी बहुत सारे हैं, हकीम भी बहुत सारे हैं, लेकिन हाँ। आपने हकीम साहब की दवाइयों पे विश्वास किया, उनकी बात पे विश्वास हाँ। किया, ये कैसे अंदर से आपके आया कि मुझे अब हकीम सुलेमान खान साहब की ही दवाई खानी है, इन्हीं का ही ट्रीटमेंट फॉलो करना है, मैं इन्हीं की दवाई से ठीक हो सकती हूँ, या आपने ट्राई किया सिर्फ? नहीं नहीं, हमारे कुछ जानने वालों ने भी उनसे इलाज किया था तो उनको आराम हुआ था। तो मुझे फिर मतलब डॉक्टर, एक डॉक्टर के पास, दूसरे डॉक्टर के पास नहीं आराम हुआ, तो फिर मुझे बताया, मैं ये पेपर भी रोज पढ़ते थे उनका। आर्टिकल में क्या आता था? आर्टिकल में मतलब किसी ना किसी का इंटरव्यू आता था जिसमें फायदा हुआ था, फिर एडवर्टाइज आता था उनका। ठीक है, तो आपको लगा कि अब लोगों को फायदा हो रहा है तो मुझे क्यों नहीं हो सकता है, तो फिर उनके पास गई। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है मुझे भी आराम है उससे। चलिए, तो आपके घर परिवार में कोई और भी हकीम सुलेमान खान साहब की दवाइयाँ अपनाता है, उनसे जुड़ा हुआ है? मेरी कजिन लोग हैं मतलब रिश्ते में हैं, वो लोग गए हैं उनके पास। अच्छा, तो उनका क्या कहना है? आराम, उनको भी आराम हुआ है, आराम हो रहा है। और ज्यादातर लोगों को मतलब ये घुटने की तकलीफ थी तो उससे बहुत आराम हुआ है हकीम साहब। तो सबसे पहले हकीम साहब से जुड़ाव आप ही का हुआ था मतलब? अच्छा, सबसे पहले आप ही ने ट्रीटमेंट फॉलो किया? आराम हुआ तो मैंने भी फिर अपने रिश्तेदारों को मतलब बताया है कि उनको आराम है जी, जी उनके पास जाएंगे। ठीक है मैम, आप तो ठीक हो गई हकीम साहब से जुड़ के। तो जो लोग आपको सुन रहे हैं और जो अब आपको देख रहे हैं, आप कितनी स्वस्थ हो गई हैं, तो अभी तक उन्होंने यूनानी ट्रीटमेंट नहीं अपनाए हैं, घरेलू नुस्खे नहीं अपनाए हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? क्योंकि बहुत ज़रूरी है जानना लोग क्या है,
पैसा खर्च कर लेते हैं, दवाइयाँ खा लेते हैं, आराम नहीं मिल पाता है, क्योंकि दवाइयाँ वो खाते हैं जो एकदम से असर दे, एकदम से ठीक कर दे, लेकिन वही दवाइयाँ उन्हें साइड इफ़ेक्ट भी कर देती हैं, और जो परेशानी के लिए दवाई खा रहे होते हैं वो परेशानी फिर से हो जाती है। तो उनको क्या क्या कहेंगे आप? मेरा उन लोगों से मशवरा यही है कि वो यूनानी और घरेलू नुस्खे को अपनाएं, क्योंकि वो थोड़ी लेट मतलब असर करता है पर उसका आराम देर पा हो जाता है। जी जी, तो इसीलिए डॉक्टर से बेहतर है कि आप घरेलू और यूनानी दवाओं जी। हकीम साहब एहतियात बताते हैं, हकीम साहब नुस्खे घरेलू बताते हैं, यूनानी ट्रीटमेंट बताते हैं, आपने संयम कैसे रखा मैम? क्योंकि संयम रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इंतज़ार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, सबको चाहिए कि आज दवाई खा रहे हैं कल आराम पड़ जाए, कल भी आराम ना पड़े तो हफ्ते भर बाद आराम पड़ जाए, तो ये इंतज़ार कैसे कर पाई आप? अब मुझे आराम चाहिए था तो थोड़ा तो पेशेंट चाहिए आराम कि भाई ठीक है सब्र है, क्योंकि डॉक्टर के इलाज कर रही थी ना तो उस वक्त भी बस दवा खाने के बाद एक दिन आराम, दो दिन आराम, फिर तीसरे दिन से वही हो जाता है, दर्द तकलीफ बढ़ जाती है। जी जी जी, तो इसीलिए थोड़ा ये दवा भी खाया तो आराम थोड़ा सा सब्र करा कि भाई ठीक है अल्लाह ताला शिफा देंगे धीरे धीरे। जी जी, अल्लाह का शुक्र है कि तो आपका सब्र कामयाब रहा। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम अपने घर हमें बुलाने के लिए, और आपकी सेहत का हाल जान के हमें और हमारी टीम को बहुत खुशी हुई। हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको कि आप ऐसे ही सेहतमंद रहें और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया मैम।